दोस्तों वी सॉ प्लेजेंट पम्प इन द बिटकॉइन प्राइस एग्जैक्टली हमारे ऑरेंज बॉक्स की दहलीत से कल की वीडियो के बाद आपको बताया गया था दिस इज गोइंग टू प्ले एज अ सपोर्ट एंड आई टोल्ड यू आई गारंटीड यू कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए एंड एज यू कैन सी विद इन लाइक मिनट्स ये प्राइस यहाँ से पंप हुआ आफ्टर टेस्टिंग दैट सपोर्ट एंड आगे क्या होने वाला है डोंट बी मिस गाइडेड दैट ये एक तरह से फेक आउट था ये कुछ था बड़ी खबरें दो जो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताएंगे कि ये पंप जो है ये जारी रहने वाला है सो डोंट मिस दिस आउट टू बिग न्यूज़ विच आई डोंट नो वाई नो बडी इस टॉकिंग अबाउट राइट नो इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहे हैं फटाफट से सात मिनट के अंदर अंदर आज मेरा जन्मदिन है तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ माफ ही दोबारा से जो मेरे दोस्त मुझे तीन चार साल से जानते हैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से वो जानते हैं कि मैं नॉर्मली जन्मदिन पे वीडियो नहीं बनाता हूँ बट आज क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट और गुमराह कर देन देने वाला दिन है मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही राह दिखाऊं मेरा नाम है रोहित शर्मा सटोशी ठाकरी में आपका स्वागत है तो कल की वीडियो में जैसे आपको मैंने गारंटी दी थी कि इस औरेंज बॉक्स के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं येस वी बाउंसड ऑफ येस देर वॉज अ क्रैश दे वर अ सीरीज ऑफ फड एंड टू इंपॉर्टेंट फड्स वर क्लैरिफाइड इसलिए भी मार्केट पंप करी और एक और पॉजिटिव खबर आई माइक्रोस्ट की तरफ से तभी मार्केट पंप की बट ये इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट कहाँ पर जाकर रिजेक्ट हुई एग्जैक्टली exactly हमारे ऑरेंज बॉक्स की ऊपरी दहलीज रेड लाइन तीस हजार डॉलर प्रिसाइजली उनतीस हजार नौ सौ नब्बे से प्राइस करेक्ट होकर आया विद इन एट आवर्स गोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिटकॉइन दिस ऑरेंज बॉक्स विच इज अट्ठाइस हजार पाँच सौ ऑल द वे टू तीस हजार इज अमेजिंग लाइक ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज है जो लोग हमारी इन पॉइंटर्स पर ट्रेड लेते हैं वो माला माल होते हैं एक और ट्रेडिंग आपको स्ट्रैटेजी टिप्स सीक्रेट बताता हूँ एस एन बी फाइव हंड्रेड जिसके बारे में हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इस ऑरेंज बॉक्स पर सपोर्ट लेगा मुश्किल है इसके नीचे जाना ऑल्सो द रीजन क्योंकि इसका स्टॉक एस्टिक आर एसआई इस समय बॉटम हो रखा है सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एस एन पी फाइव हंड्रेड साइड वेज जाए नहीं तो इस सपोर्ट से टकरा के वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा सो दैट यू ऑल्सो यू कैन ट्रेड ऑन एस एम पी फाइव हंड्रेड एंड एस एन पी फाइव हंड्रेड की चार्ज जो है वो बिटकॉइन भी कॉपी करता है तो साइमल्टेनियसली आप सेम चार्ज को फॉलो कर सकते हैं इनफ ऑफ दैट आई विल डिटेल इट आउट इन टुमारोज वीडियो दिस चार्ट इज़ द फर्स्ट बुलिस चार्ट जो मैं आपको काफ़ी समय से दिखाता आ रहा हूँ जो मेरे विचार से एक मैसि रिवर्सल कंटिन्यूशन पैटर्न है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड हत्या इस हेमिस्फेयर uh, के निचली रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं इसका ऊपर का टारगेट अगले कुछ छः महीने के अंदर अंदर करीब अड़तालीस हज़ार डॉलर का है एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि प्राइस इसी डायरेक्शन में प्ले करेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे करेक्ट करेगा और इस ब्लैक लाइन से टकरा कर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न कि बिटकॉइन इज नाउ लेस वॉलेटाइल दैन नैसडैक एस एम स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड से भी ज़्यादा लेस वॉलेटाइल है कैसे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा उछाले नहीं खा रहे इट्स प्रटी मच या तो साइडवेज या अगर कहीं से हरकत करता भी है तो रेंज में वापस आ जाता है अगर आप देखें इस इस रेंज को भी ब्यूटीफुली हम इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर दिन बिता रहे हैं मतलब वी माइट इवन स्पेंड वीक्स इनसाइड दैट विच इज़ एन परफेक्ट रेसिपी फॉर ट्रेडर्स जैसे मैंने आपको बताया अट्ठाईस पाँच से तीस हज़ार पंद्रह डॉलर की रेंज यानी कि बेस पर ऑलमोस्ट पाँच कोई भी ट्रेडर जो समझदार है शॉर्ट और लॉन्ग करके पाँच परसेंट इंटू टेन एक्स लिवरेज पर पचास पचास परसेंट के प्रॉफिट विद इन डेज कमा सकता है आई थिंक इस तरह की बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी है सेकंड वन मोर अच्छी ऑपर्चुनिटी क्या है कि बिटकॉइन इज परफॉर्मिंग ओवर द पीर टाइम ओवर मंथ्स मच मच बेटर देन एनी अदर एसेट्स इफ बिटकॉइन इज वन कंपेरेटिवली अदर एसेट्स हैव नॉट ग्रोन दैट मच इंक्लूडिंग माइक्रोस्ट्रेटी इंक्लूडिंग माइनिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग डॉचकॉइन एंड एथिरियम सो बिटकॉइन इज द बेस्ट परफॉर्मर राइट नाउ थ्रू आउट दिस ईयर मंथ ऑन मंथ बट यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जिस वीडियो का टाइटल है माइकल सेलर कल की वीडियो कल एक्चुअली बिटकॉइन में एक पंप का कारण ये भी था कि लोगों ने कहा कि जुलाई में माइकल सेलर ने माइक्रो uh, माइक्रोस्ट्रेटर्जी ने कुछ बिटकॉइन खरीदे हैं बट वो तो छोटा सा सच है दे जस्ट बॉट पंद्रह मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन और मार्केट इतना पंप करी दे हैव प्लैंड टू सेल सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर ऑफ माइक्रो माइक्रोस्ट्रैटर्जी स्टॉक्स टू बाय बिटकॉइन ये इन्होंने अभी खरीदा नहीं है तो आप जानते हैं ऐसे टाइम पर क्या होता है बाय द रूमर सेल्दर न्यूज नाउ पीपल विल बाय दिस रूमर अगर डेट नज़दीक आती है कि माइक्रोस्ट्रैटी पंद्रह अगस्त को खरीदेगा तीस अगस्त को जो भी डेट आती है तब तक लीडिंग टू टू दैट डेट बिफोर दैट डेट वे बिफोर दैट डेट द बिटकॉइन विल पंप लाइक क्रेजी क्योंकि साढ़े सात सौ मिलियन डॉलर का मतलब है बिटकॉइन के ऊपर सीधा सीधा इजिली आप लगा लीजिए कि हंड्रेड एक्स का बाइंग प्रेशर होगा सेवेंटी फाइव बिलियन डॉलर का बाइंग प्रेशर होगा एजूमिंग कि वो सिर्फ बिटकॉइन ही खरीदेगा क्योंकि वो सिर्फ बिटकॉइन ही खरीदता है सो गाइज डोंट बी मिस गाइडेड कि बिटकॉइन रेजिस्टेंस से टकरा के ऑरेंज बॉक्स के अंदर वापस आ गया आई थिंक इट इज नो मेक अ कम बैक अगेन इट माइट गो बैक टू टेस्ट इट्स सपोर्ट एट द बॉटम ऑफ द ऑरेंज बॉक्स बट आई थिंक इट्स स्टिल गो बी नॉट इवन रीचिंग देर जैसे मैंने आपको हमेशा कहा येस yes, चार्ट के हिसाब से वो नीचे गया बट वहाँ पर उसने सेकेंड्स बिताए हैं सपोर्ट के ऊपर अट्ठाईस पांच सौ के ऊपर एक सेकंड से ज़्यादा टिकता नहीं है और हमारी स्ट्रैटेजी का कमाल देखिए हमने बायबेट पर कुछ दिन के लिए टेम्प्ररी कुछ दिन पहले टेम्प्ररी ट्रेड लिया था जिसकी मैंने बाय टेक प्रॉफिट उनतीस हज़ार नौ सौ सत्तानवे पर डाला था जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको अपना टर्मिनल दिखाया बट अनफॉर्चुनेटली बायबेट में कुछ तो प्रॉब्लम थी कि मेरा टेक प्रॉफिट नहीं हुआ जिससे थोड़ा सा दिन मेरे लिए ख़राब था वरना उनतीस हज़ार नौ सौ सत्तानवे पे करंटली हम अट्ठावन परसेंट के प्रॉफिट पे यानी कि सत्रह सौ डॉलर के वहाँ पर मुझे साढ़े चार हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता समाहौ बाईब में कुछ बग था या कह लीजिए प्राइस वहाँ तक हिट नहीं हुआ ऑन बाईबेट एक्सचेंज ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट बुक नहीं हुआ पर मुझे पूरा विश्वास है अगले कुछ दिनों में ये फिर से उनतीस हज़ार नौ सौ सतानवे पे जाएगा मेरा प्रॉफिट बुक होगा uh, मैं अपने टेक्निकल पे बहुत विश्वास करता हूँ इवन द टेक्नोलॉजी डजन सपोर्ट सम टाइम शायद मुझे उनतीस हज़ार सात सौ पे प्रॉफिट लगाना चाहिए था क्योंकि कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे प्राइस एग्जैक्टली उतना नहीं जाता है जितना हम ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं बट दिस कुड अनदर जूसी टेक प्रॉफिट टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग लॉसेज एंड टेक प्रॉफिट मेरे ओके uh, एक्स के छः के छः ट्रेड्स पे लॉसेज काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और फ्लोटिंग टोटल प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा इस समय अगेन वी आर बैक टू ऑलमोस्ट चालीस हज़ार पैंतीस हज़ार डॉलर का जो प्रॉफिट है वो उस पैंतीस हज़ार डॉलर के प्रॉफिट में हम आ गए हैं और इसका टेक प्रॉफिट भी मैंने तीस हज़ार एक सौ एक बिटकॉइन के लिए तीस हज़ार कर दिया था प्राइस तीस हज़ार तक गया ही नहीं तो अगेन आई के नॉट मेक इट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन क्योंकि ओके एक्स में बॉट है और बॉट आपको एक लिमिटेड कम से कम मिनिमम प्रॉफिट का रेंज देता है तो तीस हज़ार एक सौ से नीचे में टेक प्रॉफिट नहीं ले सकता क्योंकि करंट ट्रेड का एवरेज uh, बाइंग जो है वो इससे Uh, इतना ही है बेसिकली तो आई कैन जस्ट क्लोज माय करंट बॉट्स एट द मतलब आई एम नॉट क्लोजिंग द बॉट्स एम जस्ट टेकिंग प्रॉफिट ऑन द करंट साइकिल आई होप यू अंडरस्टैंड बट अगर आपको ये सारी बातें लैटिन ग्रीक लगी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चार लिंक दे रखें सबसे ऊपर वो बताएगा कि कैसे मैंने इन बॉट्स में एंटर किया कैसे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटी काम करती है वगैरह 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 प्लीज़ उसका लुच्छुटाइए लोग बहुत पैसा बना रहे हैं आई रीड एवरी इन कॉमेंट्स पीपल आर जस्ट थैंकिंग मी कि यार ये सबसे विश्वसनीय सबसे टेंशन फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आप 100 डॉलर लीजिए पहली साइकिल में आप पचास डॉलर डालिए साइक्स की काउंट छः रखिए एवरी साइकिल्स में दस दस डॉलर का उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए दी या कॉपी ट्रेड कीजिए आपको कुछ मैन्युअली कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनिंग हाउ दिस बॉट वीडियोज़ वर्क तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद अगेन जन्मदिन है मुझे जल्दी भागना पड़ेगा अपना ख्याल ख्याल रखिए आज कोई गिव अवे सवाल नहीं है आज केवल जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं लूँगा प्लीज़ कमेंट कीजिए अपना बी एस डी डालिए धन्यवाद जय हिंद